Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello guys. तो मॉक टेस्ट 10 में आप सबका मोस्ट वेलकम है। फिर से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि करंट अफेयर्स, बैंकिंग और स्टैटिक का मिक्स बैग होगा। और गाइस, ये जो सीरीज हम लेकर आए हैं, हम क्यों आपके लिए लेकर आए हैं, बिकॉज 40 क्वेश्चन आपको हम देते इसलिए हैं ताकि आप रिवाइज कर पाएं कि ये क्वेश्चन आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है और क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है कमेटीज पर। कमेटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। IRDAI मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटर है, IRDAI, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में। IRDAI हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी कंप्रेजिंग इट्स ऑफिशियल एज वेल एज सीनियर एग्जीक्यूटिव फॉर अ फ्यू इंश्योरर्स टू स्टडी रेगुलेटरी इशू फिनटेक प्रोसेस आपको ध्यान देना है फॉर इंश्योरेंस। हु विल बी द हेडिंग दिस कमेटी? तो इसका मतलब क्या है, IRDAI ने कमेटी बनाई है और इस कमेटी में इन्हीं के ऑफिशियल्स लोग हैं और ये कमेटी रीड करेगी जो फिनटेक प्रोसेस है। तो फिनटेक प्रोसेस का जो गैप है इंश्योरेंस कंपनीज में वो कितना है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के हेड कौन है? तो इस कमेटी के हेड है IRDAI के चीफ जनरल मैनेजर, जिनका नाम है रणदीप सिंह जगपाल। तो रणदीप सिंह जगपाल जो है ये चीफ मैनेजर हैं IRDAI के और इनको मतलब अपॉइंट किया गया इस कमेटी का, इस पैनल का हेड बनाया गया है, जो क्या स्टडी करेंगे, फिनटेक याद करना, इंश्योरेंस कंपनी, फिनटेक, कमेटी, और कमेटी के हेड कौन है, रणदीप सिंह जगपाल। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ₹200 बैंक नोट हैज अ मोटिफ ऑफ ऑन द रिवर्स, मतलब कि ₹200 के नोट पर किसकी इमेज है, ये आपसे पूछी गई है। तो गाइस, जितने भी नए नोट आए हैं, चाहे वो ₹10 से लेकर ₹2000 तक के हों, आपको इस पर इमेज और इसके डायमेंशंस पता होने चाहिए। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसका आंसर क्या होगा, हम सब जानते हैं सांची स्तूप। तो ₹200 के नोट पर सांची का स्तूप आपको दिखेगा और साथ ही साथ इसका डायमेंशन कितना है, 66x146 मिमी स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन है। आपको मैंने बता दिया कि आपको सारी नई करेंसीज के डायमेंशंस इमेज याद रखनी होंगी। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पर MOU पर क्वेश्चन है। तो गाइस, MOU आपके एग्जाम में आते हैं, आपको सारे MOU लर्न होने चाहिए अच्छे से, ये थोड़ा टफ होता है, इसीलिए इसमें रिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो MOU पर एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, इंडिया साइंड MOU विथ विच कंट्री फॉर स्ट्रेंथनिंग कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म। तो यहाँ पर टूरिज्म की बात हुई है, तो टूरिज्म की बात करें तो उसका आंसर क्या होगा, टूरिज्म में लास्ट में M आ रहा है तो इसके जो कंट्री है उसके स्टार्टिंग में भी M आएगा, मतलब माल्टा। माल्टा इज राइट आंसर, तो यहाँ पर माल्टा को आप लॉक कर देंगे, याद कर लीजिएगा, माल्टा इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बैंकिंग एंड क्वेश्चन इज Which section of the Banking Regulation Act refer to the Banking Ombudsman, Banking Lokpal? यानी Banking Lokpal जो है वो किस section में आता है Banking Regulation Act के? देखो, यहाँ पर एक information आपको दी हुई है कि Banking Regulation Act के अंडर में Banking Ombudsman आते हैं, लेकिन इसमें section पूछा गया और ये question कई बार exam में भी आया है। तो इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा Section 35A। तो Section 35A में Banking Lokpal, Banking Ombudsman के बारे में बताया गया है। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड आयुष्मान भारत, वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर स्कीम इन विच सिटी? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है रांची झारखंड। तो रांची झारखंड से ये स्कीम लॉन्च की गई है, ध्यान दीजिएगा 23 सितंबर को ये स्कीम लॉन्च हुई है रांची में, लेकिन इस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन डे है 25 सितंबर, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपके एग्जाम में इंप्लीमेंटेशन डे पूछ लिया तो क्या होगा, आपको याद होगा ना, आपको याद होगा 25 सितंबर इज राइट आंसर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑफिशियली किस दिन ये लॉन्च किया गया, नॉट इंप्लीमेंटेशन, ऑफिशियली वर्ड आ गया, तो याद रखना 15 अगस्त आप बोलेंगे। कहां से लॉन्च किया गया, 23 अगस्त को रांची से। ये तीन डेट बड़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि पहली बार 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में इसके बारे में बात की थी और 23 सितंबर में रांची से इसको लॉन्च किया गया, बट ये इंप्लीमेंट हो पाया 25 सितंबर से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ करेंसी, टाइप ऑफ मनी, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गाइस, देखते हैं एक बार, फॉरेन करेंसी विच हैज टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड, मतलब ऐसी मनी जो कहीं पर टिक के नहीं रहती है, कभी आपके पास, फिर किसी और के पास, फिर किसी और के पास, उसे हम क्या बोलते हैं, तो ऐसी मनी को हम क्या बोलते हैं, इसे हम हॉट करेंसी बोलते हैं, हॉट मनी बोलते हैं। तो हॉट करेंसी का मतलब ऐसी करेंसी जो कहीं पे टिकके नहीं रहती है, उसका परफेक्ट एग्जांपल है US डॉलर। US डॉलर हॉट मनी कैसे है, बिकॉज फॉर एग्जांपल चाइना है और इंडिया है,
चाइना, इंडिया ने चाइना को स्पाइसेस सेल किए, मसाले सेल किए, तो इंडिया ने पेमेंट डॉलर ही मांगा। अब चाइना का डॉलर इंडिया के पास आया और इंडिया ने इसी डॉलर से सऊदी अरेबिया से तेल खरीद लिया, क्रूड ऑयल खरीद लिया। तो पहले ये डॉलर कहाँ था? चाइना के पास। फिर कहाँ पहुंचा? इंडिया के पास। फिर कहाँ पहुंचा? सऊदी अरेबिया। तो ये कहीं पर टिक के नहीं रहते। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हॉट करेंसी, इसका एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल की बात करें तो यूएस डॉलर इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। और हाँ, ध्यान देना, FII को भी हम हॉट मनी या हॉट करेंसी बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बिकॉज ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो किसी देश के शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो अगर इन्होंने इंडिया के शेयर मार्केट में पैसा लगाया और इनको लगा कि इंडिया के मार्केट में ग्रोथ नहीं है, तो ये पैसा निकाल के चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी, कहीं और। तो FII इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हॉट मनी या हॉट करेंसी, ध्यान देना इस चीज को। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि स्टैटिक का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। तो गाइज, हमेशा बच्चे AIIB और न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, तो उसका आंसर क्या होगा? बीजिंग, चाइना। और अगर आपसे न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक पूछा जाता, तो आपका आंसर क्या होता? आपका आंसर होता शंघाई, चाइना। किसके लिए? फॉर न्यू डेवलपमेंट बैंक, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर एट, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, लास्ट ईयर कई एग्जाम में एब्रिविएशन में क्वेश्चन आया था और यहाँ पर LTV के बारे में आपसे पूछा गया है। LTV का फुल फॉर्म होता है लोन टू वैल्यू, लोन टू वैल्यू, ठीक है। यानी आपसे पूछा है L, तो L का मतलब क्या हो जाएगा? लोन हो जाएगा, लोन टू वैल्यू। तो ये क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता होगा कि जब भी हम बैंक के पास लोन के लिए जाते हैं, तो बैंक हमसे कोई ना कोई सिक्योरिटीज लेता है। तो अब सिक्योरिटी का मतलब भी क्या हुआ? अगर आप 10 लाख की प्रॉपर्टी रखोगे, तो बैंक आपको 10 लाख पर 10 लाख का लोन नहीं देगा, 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 10 लाख का लोन नहीं देगा, वो 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख अपने हिसाब से देगा। तो आपने क्या प्रॉपर्टी बैंक के पास रखी है, कौन सा आपने, कितना अमाउंट आपको लोन मिला है, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? इस रेशियो को हम बोलते हैं लोन टू वैल्यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां पे है, विच गवर्नमेंट हैज साइंड अ MOU, यानी कि फिर से एक बार MOU पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, विथ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका नाम तो आपने सुना होगा, NICL, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज टू द पीपल ऑफ द स्टेट अंडर द सेंटर फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम, आयुष्मान भारत योजना। तो आपको पता है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक स्कीम आई है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें हमारे देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए पर एनम का इंश्योरेंस मिल रहा है। तो बस वही स्कीम है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो हेल्थ इंश्योरेंस है 5 लाख रुपए का, वो प्रोवाइड करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने NICL से एग्रीमेंट किया है? और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका झारखंड। तो झारखंड इज राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। झारखंड का किससे एग्रीमेंट हुआ है? आपका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, शायद आपको देखने को नहीं मिला होगा। क्वेश्चन क्या है? रेपो एंड रिवर्स रेपो आर डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ RBI एक्ट 1934। आपको मैंने CRR, SLR का एक्ट शायद बताया होगा, लेकिन यहाँ पर रेपो की बात हो रही है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इसके साथ साथ डेरिवेटिव्स, इसके साथ साथ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये सब किस सेक्शन में डिफाइन किए गए हैं? तो बेटा याद रखना, ये सेक्शन 45 में डिफाइन किए गए हैं ऑफ RBI एक्ट 1934। सेक्शन 45, रेपो, रिवर्स रेपो, डेरिवेटिव, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये सारे एक ही सेक्शन में डिफाइन किए गए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल्सो स्टैटिक क्वेश्चन, और स्टैटिक क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे क्या पूछा गया है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक सिचुएटेड। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, किस देश में, ये आपसे पूछा गया है, और क्या इसका आंसर हो सकता है? तो गाइस, अगर आपको इसका आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसका आंसर है लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस, यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? वीना सेंद्रे हैज बीन चूजन एज इंडियाज फर्स्ट मिस ट्रांस क्वीन, शी बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो यानी एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है कि वीना सेंद्रे जो है, ये इंडिया की फर्स्ट मिस ट्रांस क्वीन है, और ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, ये चीज आपको याद कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बैंकिंग, और यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हॉलीडेज, हॉलीडेज इन बैंक्स आर डिक्लेयर्ड एज पर विच एक्ट। आपको ये क्वेश्चन मेरे पीछे दिखाई पड़ रहा होगा। तो बैंकों में छुट्टियां किस एक्ट के अकॉर्डिंग होती हैं, ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है। और इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, बैंकों में जितने भी हॉलीडेज होते हैं, वो सब होते हैं अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये चीज याद रखिए, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बैंकों में हॉलीडेज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 14 इज वर्ल्ड चेस ओलंपियाड 2018 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री. तो वर्ल्ड चेस ओलंपियाड जो है ये किस कंट्री में हुआ, ये आपसे पूछा गया है. क्या आपको इसका आंसर याद है? अगर याद नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जॉर्जिया. जॉर्जिया में कहाँ? तो जॉर्जिया में बाटूमी. तो जॉर्जिया में बाटूमी एक जगह है जहां पर ये वर्ल्ड चेस ओलंपियाड जो है ये हुआ. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 15 इज बेस्ड ऑन विजिटर, और विजिटर में ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की बात यहां पर हो रही है. क्रिस डेनियल इज विजिटिंग इंडिया दिस वीक एंड इज लाइकली टू मीट आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद. ही इज द सीईओ ऑफ विच कंपनी. तो यहां पर क्रिस डेनियल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और ये व्हाट्सएप कंपनी के सीएफओ हैं, ये सीईओ हैं, ये आपको याद रखना है. तो क्रिस डेनियल व्हाट्सएप के सीईओ हैं जो कि इंडिया में आए और यहां पे आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी से मुलाकात भी की. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड्स. इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कई बार मेरे क्वेश्चंस में आप देख चुके हो. तो ट्रेड्स की बात करें, इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर. तो मैंने आपको बताया कि ट्रेड्स एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सिडबी ने बनाया है, जिसमें जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं, वो इसमें जुड़ेंगी और MSME इसमें जुड़ेंगे, और MSME डायरेक्टली बड़ी कंपनी से लोन उठा सकते हैं. यानी ये किसके लिए है? तो ये MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is, the NGT, National Green Tribunal, has appointed whom as the head of three-member committee. तो पहली बात, three-member committee आपको ध्यान देना है, to decide mining company Vedanta plea challenging closure of its satellite copper plant at Tuticorin. तो Tuticorin में जो Vedanta की एक satellite copper plant है, वहाँ पे इसे बंद जो करना है, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है. इस कमेटी को लीड कौन करेंगे, ये आपसे पूछा गया है. तो इस कमेटी को लीड करेंगे SJ वाजिफदार. कमेटीज हमेशा से इंपॉर्टेंट रही हैं एग्जाम के लिए, वाजिफदार जी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी वॉन एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड ऑफ $56 million, मीन्स नियर अबाउट 390 करोड़ रुपीज. देखिए, तो क्या बोला गया है कि इनमें से किस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी ने, याद रखिएगा किस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी ने, तो इसका आंसर होगा रिलायंस पावर. तो रिलायंस पावर की एक सब्सिडरी है, रिलायंस पावर नीदरलैंड बीवी कंपनी नाम है, बीवी रिलायंस पावर नीदरलैंड बीवी, उसने ये अवार्ड जीता है. तो आंसर यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से रिलायंस पावर इज राइट आंसर. हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आवर क्वेश्चन नंबर 19 इज विच कंपनी वर्क्स टू मैनेज एंड मेक प्रॉफिटेबल दोस असेट्स विच हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग और बिकम फॉर्मली क्लासिफाइड एज NPA. देखिए, तो आपको पता होगा कि जब भी, मतलब ये क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रॉपर्टी बैंक से ली, मैंने लोन ले लिया, और बाद में आकर मैंने बैंक का पैसा वापस नहीं किया, बैंक क्या करेगा, मेरी प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार कर लेगा. अब जो मेरी प्रॉपर्टी है वो ऐसी है कि कोई खरीद ही नहीं रहा है, बैंक क्या करेगा, बैंक मेरे प्रॉपर्टी पे अधिकार करके उसकी ऑक्शन करवाएगा. अब वो बिक ही नहीं रहा है, टूटा फूटा प्रॉपर्टी बिल्कुल है. तो बैंक को पता कि हमारे पैसे ऐसे निकलेंगे नहीं. तो हमारे देश में कुछ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वर्क करती हैं. तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे शॉर्ट में हम ARCs बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनसे बैंक एग्रीमेंट करता है और ये जो प्रॉपर्टी मेरी है उसको बना देंगे मॉल, कॉम्प्लेक्स, फ्लैट, बिल्डिंग, कुछ भी, ताकि वो बिकने लायक हो जाए और बैंक अपना पैसा निकाल सके. तो ARC याद कर लीजिएगा, ARC में 100% FDI अलाउड है. ARC में 100% FDI अलाउड है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ बैंक चूजेस द रॉन्ग स्ट्रेटजी और फॉलो अ लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटजी विच माइट लीड टू इट्स फेल्योर, इट इज कॉल्ड. देखो, ये रिस्क पे क्वेश्चन है, और मैंने हमेशा बोला है कि इसमें केवल आपको वर्डिंग ढूंढनी होती है. तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन में रॉन्ग स्ट्रेटजी दिख जाए, रॉन्ग स्ट्रेटजी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिजनेस रिस्क. याद रखिएगा, बिजनेस रिस्क. अगर ये होता कि मतलब किसी ने बैंक से पैसा लिया और डिफॉल्ट कर दिया, बैंक का पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो ये क्या होता, क्रेडिट रिस्क, है ना. और अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में इंटरनल वर्ड दिख जाए, इंटरनल, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल रिस्क. और लिक्विडिटी का मतलब, अगर आपके एग्जाम में मिल जाए कि डे टू डे ऑपरेशन करने में बैंक के पास पैसे नहीं है, तो लिक्विडिटी रिस्क. मार्केट रिस्क थोड़ा सा बड़ा है. मार्केट रिस्क में इक्विटी रिस्क आते हैं, डेरिवेटिव रिस्क आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिस्क आते हैं, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क आते हैं. तो क्वेश्चन में मार्केट रिस्क थोड़ा बड़ा सा है. अनकंट्रोलेबल रिस्क अगर पूछा गया तो मार्केट रिस्क ये होगा आंसर. ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या था, बिजनेस रिस्क. हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज इनॉग्रेटेड पाणिनी लैंग्वेज लेबोरेटरी इन विस सिटी. पाणिनी लैंग्वेज लेबोरेटरी इन विस सिटी, नॉट कंट्री, सिटी. तो यहां पर देखिए, तो
पांच ऑप्शन दिए हैं और इसमें सही आंसर क्या होगा, पोर्ट लुइस। आप बोलेंगे सर ये पोर्ट लुइस कहाँ पे है, तो आपको पता भी होगा कि पोर्ट लुइस मॉरिशस की कैपिटल है, तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में इसका उद्घाटन सुषमा स्वराज जी ने किया। जरूरी यह है कि आपको यह भी याद रहे कि किसने किया, तो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने यह उद्घाटन किया। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री अनवील्ड इट फर्स्ट डोमेस्टिक फाइटर जेट कोसर। कोसर इस देश का अपना खुद का बनाया हुआ फाइटर प्लेन है, ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ईरान है, ईरान याद कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, व्हेन अ स्टॉक मार्केट मूव्स अपवर्ड इट इज सेड टू बी विच मार्केट। मतलब जब स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है इसे हम क्या बोलते हैं। तो आपने कभी शेयर मार्केट देखा होगा, तो शेयर मार्केट जो हमारा है BSE, उसके एक साइड में बैल बुल बना होता है और एक साइड में बियर भालू बना होता है। तो बुल का मतलब एग्रेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब आगे जाना, ऊपर जाना, और बियर का मतलब आलसी, मतलब मार्केट नीचे आना। तो बुल का मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये कैपिटल मार्केट के सारे टर्म्स हैं, ध्यान दीजिएगा। और कैपिटल मार्केट में आपको बुल और बियर सुनने को मिलता है। बुल का मतलब मार्केट ऊपर जाना, जो इसका आंसर है। बियर का मतलब मार्केट डाउन जाना, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। तो बुल इज राइट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन डेटा ब्रीचिंग ग्लोबली अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाई डिजिटल सिक्योरिटी फ्रॉम गेमेल्टो। तो डेटा ब्रीचिंग की बात करें तो इंडिया जो है ये सेकेंड रैंक पे आता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो US के बाद सबसे ज़्यादा डेटा ब्रीचिंग अमेरिका इंडिया में ही होती है। तो इंडिया इज राइट आंसर, इंडिया सेकेंड प्लेस पे आता है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एप्लीकेबल लिमिट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी लोन्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। देखिए तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का लोन का अमाउंट पूछा जा रहा है, तो किसमें, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। तो याद रखिएगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो पर इंडिविजुअल की बात होती तो पर इंडिविजुअल 10 लाख रुपए का ही लोन मिलता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं 10 लाख नहीं है, लाख नहीं, करोड़ है। तो अगर पर इंडिविजुअल की बात करें तो 10 लाख मिलता है, लेकिन अगर आपको कोई कमर्शियल पर्पज पर यूज करना है तो आपको 15 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाता है, 15 करोड़ रुपीज। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 15 करोड़ इज राइट आंसर। तो रिन्यूएबल एनर्जी में आपको 15 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाएगा अगर आप कुछ कमर्शियल पर्पस का यूज़ कर रहे हो। अगर खुद के लिए चाहिए, फैमिली के लिए, अपने घर में सोलर पावर प्लांट लगाना है, कोई काम करना है, तो 10 लाख रुपए मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ऑथर ऑफ बिग अनी बिगत। इस बुक के ऑथर कौन है, तो इसका ऑथर की बात करें तो एक कोंकण राइटर, इनका नाम क्या है, एच एम पर्नल जो है इसके ऑथर हैं। ये कोंकणी भाषा में शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन है, बिग अनी बिगत, और इसे बेस्ट कोंकणी बुक का अवार्ड भी दिया गया था इस बार, ठीक है। तो एच एम पर्नल इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च आधार पे टू लॉन्च बायोमेट्रिक बेस्ड पेमेंट सिस्टम। आपके बायोमेट्रिक से पेमेंट ऑनलाइन होता है और इसे लॉन्च करने वाला पहला बैंक था IDFC बैंक। IDFC बैंक इज राइट आंसर गाइस। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैट्रिक दैट मीजर्स द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू यूज इट्स नियर कैश और क्विक असेट्स टू एक्सटिंग्विश टू रिटायर इट्स करंट लायबिलिटी इमीडिएटली नोन एज। मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपके जो करंट असेट्स हैं वो आपके जो करंट असेट्स हैं वो कितने हैं कि आप अपनी करंट लायबिलिटीज को इससे चुका सकते हैं, करंट लायबिलिटीज को इससे चुका सकते हैं, ये क्या है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एसेट टेस्ट रेशियो। देखिए एसेट टेस्ट रेशियो बोलिए या फिर इसका नाम क्विक असेट रेशियो बोलिए, क्विक असेट रेशियो, या फिर इसका एक नाम और भी है लिक्विडिटी रेशियो। ये क्वेश्चन SBI क्लर्क में इस बार आया था, तो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया कि आप समझें कि फिनेंस में कभी कभी कुछ टफ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बस आपको याद क्या रखना, देखो इट्स नियर कैश और क्विक असेट। नियर कैश का मतलब अगर मान लीजिए आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन किया तो आपके पास जब कैश में होगा जेब में तभी ना कोल्ड ड्रिंक पियोगे, कि अब ATM 1 किलोमीटर दूर है तो आप पहले ATM जाओगे पैसे निकालोगे। तो क्विक का मतलब क्या हुआ, नियर कैश, आपके पास जो नियर कैश है उससे आप अपनी करंट लायबिलिटीज, मतलब आप जा रहे थे दुकान पे, आपको कोल्ड ड्रिंक दिख गई, आपने कैश दिया और कोल्ड ड्रिंक पी लिया। तो ये मैं समझा रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन समझिए, बैंक का करंट असेट मतलब कुछ कैश पड़ा होगा, तुरंत लायबिलिटी की बात हो रही है कि अगर इतना पैसा हमें चाहिए तो हमारे पास कैश इतना है कि नहीं है। तो इस रेशियो को हम एसेट टेस्ट रेशियो बोलते हैं या लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं या क्विक असेट रेशियो बोलते हैं, तीनों मतलब एक ही होता है। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन हमारा, देखें द भरोसा वुमेन्स सेंटर फॉर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट।
तो एक ऐसा सेंटर लॉन्च किया गया जो 24/7 चलेगा, कहाँ पर? तेलंगाना में, जहाँ पर जो महिलाएं हिंसा से प्रेरित हैं तो उनको तुरंत तत्काल सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ पर जो भी स्टाफ नर्स जो भी हैं सारी की सारी महिलाएं हैं, और बड़ा अच्छा सेंटर ये इनिशिएटिव है तेलंगाना गवर्नमेंट का, जहाँ पर तुरंत 24/7 सुविधा दी जाती है किसी भी हिंसा से प्रताड़ित महिला को। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तेलंगाना इज राइट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन पे अपने। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स ट्रैप चैंपियनशिप 2018 इज बिंग हिल्ड इन विच कंट्री? क्या आपको याद है ये सब चीज़ें? तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था इटली में, इटली में लोनाटो में, इटली, इटली में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स ट्रैप चैंपियनशिप, जिसमें इंडियन टीम ने सिल्वर मेडल भी जीता था। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एफडीआई लिमिट इन प्रिंट मीडिया? और ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रिंट मीडिया अगर आ गया आपके सामने तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 26%। तो प्रिंट मीडिया में 26%, कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, जैसे इंश्योरेंस पूछेगा तो 49%, इंश्योरेंस की बात करें तो 49%, इंश्योरेंस में 49% एफडीआई है। अगर आपसे प्राइवेट बैंक की बात कर ले या फिर स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक की बात कर ले तो 74%, 100% बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस की बात कर ले, रेलवे की बात कर ले, एजुकेशन की बात कर ले, एनबीएफसी की बात कर ले, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात कर ले, वाइट लेबर एटीएम्स की बात कर ले, सब में 100% है। ठीक है, चलिए तो 26% इसका आंसर होगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु वॉज कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस धनवंतरी अवार्ड एट अ फंक्शन हेल्ड इन मुंबई? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सुल्तान ए प्रधान, जो कि मुंबई के बड़े फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो उनको ये अवार्ड दिया गया है, सुल्तान ए प्रधान जी को धनवंतरी अवार्ड दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने यहाँ पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव? इसमें से कौन सा डेरिवेटिव का टाइप नहीं है ये आपसे पूछा गया। फॉरवर्ड डेरिवेटिव होता है, फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है। फॉरवर्ड होता है, फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है, कमोडिटी नहीं होता। फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और चौथा स्वैप, ये होते हैं डेरिवेटिव। कमोडिटी कोई स्वैप नहीं होता, ये गलत आंसर है, तो इसे याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स फॉर 2018? यानी इंडिया की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में रैंक कितनी है ये आपसे पूछा गया। टॉप किसने किया? टॉप किया यूएस ने, आप लोग को ये पता है। और इंडिया की रैंक कितनी है ये आपसे पूछा गया है, तो इंडिया की रैंक है 58th, यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, याद कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रेगुलेट म्यूचुअल फंड इन इंडिया? म्यूचुअल फंड को कौन इंडिया में रेगुलेट करता है? तो आंसर क्या होगा? सेबी इज राइट आंसर। ठीक है, सेबी करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 46th एडिशन ऑफ कैरवेंटिनो इंटरनेशनल फेस्टिवल। देखिए, आपके बैंकिंग के एग्जाम में कभी कभी इंटरनेशनल फेस्टिवल एग्जाम में देखे गए हैं क्वेश्चंस, तो इसीलिए क्वेश्चन हम लेके आपके लिए आए हैं। टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो कैरवेंटिनो इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर हुआ? ये मैक्सिको जैसे देश में हुआ, मैक्सिको में हुआ, याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the capital of Bahamas? Bahamas देश की capital क्या है? याद आ रहा होगा आप लोग को, इसका answer क्या होगा? इसका answer है Nassau। और currency की बात करें तो Bahamasian dollar इसकी यहाँ पे currency है। आगे बढ़ते हैं अपने next question पे। Our next question is गर्म पानी wildlife sanctuary is located in which of the following state? तो गर्म पानी wildlife sanctuary जो है ये कहाँ पर है? ये आसाम state में है। wildlife sanctuary की बात हम कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपने next question। Our next question is The International Center for Settlement of Investment Dispute is located in which country? मतलब हेडक्वार्टर की बात हो रही है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर अगर वॉशिंगटन में है तो इसका आंसर भी कहाँ पर होगा? वॉशिंगटन में ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज मैथोन डैम लोकेटेड? डैम वैम बेटा पूरा याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं। मैथोन डैम की बात करें तो झारखंड में ये है, बड़ा ही फेमस डैम है वहाँ का। तो ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो गाइज, इस सेशन का मतलब बस आपको ये दिखाना है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, क्या वो क्वेश्चन आपको याद थे या नहीं, या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आ गए तो आपने क्या वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि नहीं। जैसे डैम की बात कर ली हमने, नेशनल पार्क की बात कर ली, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर ली, करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट की बात हमने की, इंडेक्सेस की बात हमने की। ये सब कुछ आपको इसीलिए दिया जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको पूरी प्रिपरेशन करनी होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे और बात करेंगे आपके मॉक टेस्ट 11 में फिर से आपसे 40 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच गाइस, गुड नाइट।